नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 17 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। सिमुलतला प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में छठी कक्षा के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा बिहार बोर्ड ने कर दी है। छात्र अपना रिजल्ट www.biharboard.online पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब छात्रों को मुख्य परीक्षा देनी होगी। इसके लिए सभी छात्र 18 नवंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पीपापुर पर जल्द ही दौड़ेगी गाड़ियां। गांधी सेतु पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारों से लोगों को अब जल्द ही छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि गंगा नदी पर बन रही 4 पीपा पुल का निर्माण कार्य खत्म हो चुका है, जिसके पश्चात 20 नवंबर से इन पुलों पर गाड़ियों की आवाजाही की उम्मीद जताई जा रही है। पीपा पुल के निर्माण से जाम से निजात तो मिलेगा ही, साथ ही साथ गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने ग्रुप डी के पीउन और ड्राइवर पद के लिए निकाली बंपर रिक्तियां। राजस्थान हाई कोर्ट ने ग्रुप डी के पीउन और ड्राइवर पद के लिए कुल 3,678 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन भरने की शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो हर उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। वहीं उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा 18 से 40 वर्षों के बीच की होगी। वहीं इन पदों पर आवेदन भरने के लिए बाहरी राज्यों तथा जनरल ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए ₹150 तथा राज्य के एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए ₹100 देने होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक www.hcrag.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए जदयू ने कसी अपनी कमर। छात्र छात्राओं का लंबे समय का इंतजार हुआ खत्म। सीनेट की हुई बैठक में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के अनुसार पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव 7 दिसंबर को होने हैं। चुनाव के मद्देनजर पिछले चुनाव की विजेता रही जदयू पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस साल छात्र संघ चुनाव का जिम्मा जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरसीपी सिंह ने संभाल लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछली बार पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जदयू के मोहित प्रकाश ने जीत हासिल की थी। अब आइए हम जानते हैं बिहार की जानी मानी अदाकारा के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पूजा मिश्रा की, जिन्होंने टीवी के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम कर अपने नाम के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। पूजा मिश्रा मूल रूप से बिहार की निवासी है। पूजा का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। पूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी बिहार से ही की थी, जिसके बाद पूजा मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई। पूजा ने कई रियलिटी शो में भी काम किया है, यहां तक कि पूजा टीवी के बहुचर्चित शो बिग बॉस सीजन 5 में कंटेस्टेंट थी। पूजा मिश्रा को इंडस्ट्री में लोग कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन के नाम से भी जानते हैं। पूर्णिया को मिला 385 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्णिया में 385 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद ही उन्होंने डाइट का नाम गांधी जी के नाम पर बदलने का भी ऐलान किया। वहीं टीका पट्टी गांधी सदन में बापू की प्रतिमा को भी लगवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि टीका पट्टी वह ऐतिहासिक जगह है जहां 3 बार महात्मा गांधी ने अपने दर्शन दिए थे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को किया जा रहा है दुरुस्त। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार अहम कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत अब बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक के लिए वर्ग कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है, जिसके पश्चात अब शिक्षा विभाग अगले साल तक 3,000 अतिरिक्त क्लासरूम बनवाएगी। आपको बता दें बिहार सरकार ने इन कक्षाओं के निर्माण के लेकर 249 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। पैक्स निर्वाचन में लगेगी कर्मियों की ड्यूटी। आगामी पैक्स चुनाव के मद्देनजर कई कर्मियों को ड्यूटी पर रहना अनिवार्य हो जाता है, और इस साल पैक्स चुनाव के संचालन में करीब 4,500 कर्मियों को ऑन ड्यूटी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि एक चरण में कार्यरत कर्मी दूसरे चरण में भी कार्यरत होंगे या नहीं। अगर कर्मियों का बदलाव नहीं हुआ तो संचालित कर्मियों की संख्या कम होगी। आपको बता दें आपदा प्रबंधन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया था। व्यापार मेले में धागे से बनी रंग बिरंगी ज्वेलरी कर रही आकर्षित। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित व्यापार मेले में धागों से बनी रंग बिरंगी ज्वेलरी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। धागे की बनी ज्वेलरी की कीमत 40 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक है। इन ज्वेलरी को खास तौर पर विलुप्त हो रहे धागे के शिल्प कला को विश्व में नई पहचान दिलवाने के लिए बनाया गया है। इसी बाबत बिहार पवेलियन में उपस्थित अनीता गुप्ता ने बताया, हम धागे की ज्वेलरी शिल्प कला को अपने क्लस्टर के माध्यम से देश विदेश में ले जा रहे हैं तथा इस कला को बढ़ावा देने में बिहार सरकार, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय भरपूर सहयोग दे रहे हैं। अगले 4 दिनों में ठंड पसार सकता है अपने पैर। बिहार के कई जिलों में लगातार पछुआ हवा का बहाव देखा जा रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे कि सूबे समेत कई जिलों में ठंड बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री रहने की संभावना है।
मकान का नक्शा पास करवाना हुआ और मुश्किल, कोई भी घर बनवाने वाला हो या बनवाने की सोच रहा हो तो आपके लिए यह खबर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब मकान का नक्शा पास करवाना और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हाल ही में हुई बारिश से सरकार अब सचेत हो गई है और अब हर मोर्चे पर खास ध्यान रखना चाहती है, जिसके पश्चात अब पटना नगर निगम उन्हीं इलाकों में मकान का नक्शा पास करेगा जहां सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी सुविधाएं दुरुस्त है। वहीं निगम उन इलाकों में मकान का नक्शा पास नहीं करेगा जहां मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े। बिहार में बिजली हो सकती है महंगी, आम नागरिकों की जेब पर जल्द ही एक और झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बिजली विभाग बिजली दरों में 3% इजाफा करने की सोच रहा है। आपको बता दें, बिजली कंपनियों ने बिजली दरों में अधिकतम 3% तक वृद्धि का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग के जिम्मे सौंपा है, जिस पर फैसला सभी पक्षों के राय मशवरे को देखते हुए लिया जाएगा। अगर दरों में बढ़ोतरी हुई तो ये नई दरें अप्रैल 2020 से लागू कर दी जाएंगी। गांधी सदन को लेकर नीतीश कुमार का ऐलान, कटिहार पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूर्य नारायण मंडल के स्मारक पर माल्यार्पण किया, जिसके पश्चात मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि गांधी सदन को चंपारण के तर्ज पर हम विकसित करेंगे, साथ ही साथ यहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा स्वराज आश्रम के परीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि चंपारण के तर्ज पर परिसर स्थित मध्य विद्यालय को विकसित किया जाएगा। नवादा के एसपी को मिलेगा सोनपुर अवार्ड, अपनी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए बिहार पुलिस हर साल सोनपुर अवार्ड से पुलिस ऑफिसर्स को सम्मानित करती है। इसी क्रम में इस साल बिहार पुलिस की ओर से दिए जाने वाले सोनपुर अवार्ड के लिए नालंदा के पुलिस अधीक्षक समेत 25 लोगों का चुनाव किया गया है, जिन्हें 17 नवम्बर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ज्ञात हो, सम्मानित होने वाले में बिहार शरीफ के शेरपुर मोहल्ले निवासी मोहम्मद सारिक भी शामिल है, जिन्होंने अपनी बहादुरी से कुछ दिनों पहले एक युवक को बचाया था। पटना म्यूजियम के 7 फीट नीचे होगा सुरंग, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली सुरंग के निर्माण कार्य की सारी तैयारियां हो चुकी है। सुरंग के निर्माण के लिए समीक्षाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, बिहार म्यूजियम में पटना म्यूजियम तक जाने वाली यह सुरंग बेली रोड में मेट्रो के ऊपर से जाएगी। पथ निर्माण और कला संस्कृति व भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने मिलकर सुरंग बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल स्थल निरीक्षण के बाद इंजीनियरों के रिपोर्ट के अनुसार सुरंग का निर्माण पटना म्यूजियम से 7 फीट नीचे किया जाएगा। लखीसराय जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। लखीसराय जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। अशोक धाम मंदिर, जलप्पा स्थान, श्रृंगी मंदिर, माँ दुर्गा स्थान, अभयनाथ स्थान, पोखराम, गोविंद बाबा का स्थान जरूर घूमने जाएं। पटना से लखीसराय जाने के लिए खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 3 से 3.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को भी लगभग 3 से 3.5 घंटे का सफर करना होगा। पटना से लखीसराय बाई रोड की दूरी NH 33 से 134.4 किलोमीटर है। शकीबुल की शानदार पारी से बिहार ने अपने नाम की एक और जीत। अंडर 23 पुरुष वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में शकीबुल गनी ने 148 गेंदों में 127 रन, जिसमें 14 चौके 2 छक्के के साथ शानदार पारी खेलकर बिहार को लगातार 7वीं जीत दिलवाई है। शकीबुल की इस शानदार पारी के साथ बिहार ने सिक्किम को 8 विकेट से मात दे दी है और बिहार लगातार 8वीं बार जीत कर अपने आप को इस टूर्नामेंट में बनाए रखा है। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए बनाई गई समिति जल जीवन हरियाली मिशन की तैयारियां समूचे बिहार में जोरों शोरों से चल रही है। मिशन को जल्द से जल्द लागू करने के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। समिति में विधानसभा के अध्यक्ष के नॉमिनेशन से 15 विधानसभा सदस्यों व विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के नॉमिनेशन प्रक्रिया से 5 परिषद के सदस्यों का चयन किया गया है। आपको बता दें, इस समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री श्रवण है। पंचायत की योजनाओं पर रखी जा रही है ऑनलाइन नजर। अब सरकार पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को ई पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रही है। आपको बता दें, राज्य के सभी 3,542 पंचायतों में बने पंचायत सरकार भवन में आम लोगों की जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र मुहैया करवाई जाती है। इन विभागों में काम सही ढंग से हो भी रहा है या नहीं, इस पर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार की नजर हमेशा बनी रहेगी। विधानसभा चुनाव में नीतीश ही होंगे चुनावी चेहरा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत भाजपा ने यह साफ कह दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने बयान से इस बात पर पार्टी की ओर से अपनी मुहर लगा दी है।
कोइलवर पुल से बड़े वाहनों की आवाजाही हुई बंद। डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोइलवर पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब कोइलवर पुल पर 20 नवंबर से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू होगी, जिसके बाद कोइलवर पुल से आरा की ओर बड़े वाहनों का परिचालन बंद हो जाएगा, जबकि आरा से कोइलवर पुल होते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही पटना से होती रहेगी। ज्ञात हो यह नियम केवल बड़ी गाड़ियों पर लागू होते हैं, जबकि छोटी गाड़ियां पटना से कोइलवर पुल होते हुए आरा और आरा से कोइलवर पुल होते हुए पटना तक आराम से आ जा सकती है। पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुई जल जीवन हरियाली योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मोर्चे से इसके लिए तैयार हो गए हैं। इस बाबत मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले मैंने न्याय यात्रा की थी, अब मैं लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए जल जीवन हरियाली यात्रा करूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा और पीने का पानी मिल सके। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,741 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3,841 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.62 रुपए प्रति लीटर था, वहीं डीजल 71.28 रुपए प्रति लीटर था। मयंक अग्रवाल इस साल के सबसे कामयाब बल्लेबाज। भारतीय टीम की ओर से मयंक अग्रवाल अपने करियर का 8वां टेस्ट मैच खेलते नजर आ रहे हैं, जहां अपनी 12वीं पारी में उन्होंने दूसरा दोहरा शतक बनाकर सबसे कम पारियों में दो दोहरे शतक लगाने के मामले में डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें, ब्रैडमैन ने यह कारनामा अपने 13वीं पारी में दोहरा शतक लगाकर किया था। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप और सुबह के वक्त धुंध के साथ ही ठंड का असर बढ़ेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी दिन में हल्की धुंध और हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज के लिए बस इतना ही। आपके अनुरोध के अनुसार हमने जॉब से रिलेटेड साप्ताहिक वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की 25 बड़ी खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।